गाइज वेलकम बैक टू एक्सटेटिक। बहुत दिन बाद कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं मतलब ऑफिस इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं 8-9 महीने से भी मेरे चैनल में एक भी वीडियो नहीं आ रहा। इसका मेन रीज़न है, समझ सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ऑन है, एग्ज़ाम गया, 15 मार्च का ख़त्म हुआ, फिर आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत डिले है, लेकिन करे भी क्या, स्कूल चल रहे हैं उसको तो मतलब पहले दिखना पड़ेगा, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस अब मैं स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ। सो मैं अब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, मतलब ऑफिस के इंस्टॉलेशन। सो हम लोग को कोई ब्राउजर वीडियो ओपन करता हूँ या फिर आपको ऑफिस कस्टमाइजेशन लिख देना, ठीक है। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, एग्जैक्टली सेम वेबसाइट या जो ऑफिस कस्टमाइजेशन पर माइक्रोसॉफ्ट चीज़ एडमिन एप्स एडमिन इसको ओपन करनी है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम वेबसाइट, ये जेन्यून है, 100% जेन्यून। विच आर्किटेक्ट डू वॉन्ट टू डिप्लॉय, यहाँ पर 64 बिट रैम लेना है, क्योंकि एक बार आपको चेक करनी है, सेटिंग्स में जाकर विंडो साइड क्लिक करके आप सेटिंग्स खोल सकते हो, या पर सिस्टम में जाकर अबाउट में जाना। यहाँ पर जो डिवाइस स्पेसिफिकेशंस में सिस्टम टाइप, वहाँ पर आपको कितना बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर चेक करना है। मेरा यहाँ पर 64 बिट है, सो इसको मैं 64 डिफॉल्ट रहने दूँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा साइड इन करेंगे, यहाँ पर जो ऑफिस सूट है वहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोफेशनल, सॉरी ऑफिस 2021 या फिर ऑफिस 2019। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रोफेशनल्स वर्शन है ना, प्रोफेशनल प्लस का, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा फीचर और अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो मैं इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा लेटेस्ट वर्शन यूज करने के लिए, लेकिन एज लेटेस्ट वर्जन आता है आपको मतलब परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। सो मैं प्रोफेशनल प्लस 2019 सेलेक्ट करूँगी, और गलती से भी आप इसके लिए वर्जन मत इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और मैं जो तरीका बोल रहा हूँ 100% मतलब जेन्युइन है, कोई भी चीज है नहीं। यहाँ पर जो एडिशनल प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज पे, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ऑफिस में लैंग्वेज नहीं होगा वो आप मतलब कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पर आएगा वीजियो या फिर प्रोजेक्ट, इसमें आपको कोई भी चेक नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। या पर जो अपडेट चैनल है वो मतलब एक ही टर्म हम लोग ये रखेंगे, और सिलेक्ट लेटेस्ट वर्जन है ऊपर दो है तो हम लोग लेटेस्ट रखेंगे, तो आपको मतलब इंस्टॉल करने के बाद भी कोई मतलब अपडेट नहीं आएगा, ठीक है। या पर जो ऐप से आप सिलेक्ट कर सकते, यहाँ पर इफ ऑफ कर दे तो ये ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं एक्सेस रैम चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हाँ ये सब चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करना है, ऊपर सिलेक्ट लैंग्वेज पॉप में आपको इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट या फिर यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपका कोई या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है मैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो आपका सिस्टम के एकदम जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो वही इंस्टॉल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना है। सो इंस्टॉलेशन टू यूजर ये ऑब्वियसली इनेबल रखिए, क्योंकि इफ आपको ऑफिस मतलब इंस्टॉलेशन में दे रहे हो तो इफ नहीं दिखाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। शट डाउन रनिंग एप्लीकेशन ये डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि इफ आप ये इनेबल करने लगेंगे तो मतलब बाद तक की मतलब जो ऐप से वो डिलीट हो जाएगी। या फिर जो ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट है इसको इफ आप चाहते हो अपडेट्स इनेबल है तो ऑन रखने दीजिए, इफ आपको नहीं चाहते हो जो अपडेट भी नहीं ठीक है तो डिसेबल कर दीजिए। आपको मैं इनेबल करके रखता हूँ, मतलब इफ कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा अनइंस्टॉल एनी एमसी वर्जन इंक्लूडिंग विशो एंड प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको इनेबल करना है, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 वॉल्यूम लाइसेंस है, यहाँ पर आपको केनो सेलेक्ट है क्योंकि ये फ्री एक्टिवेशन हो रहा है, लेकिन ये मतलब कोई भी गलत तरीका नहीं, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूजर बेस में जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको और कोई काम नहीं है, काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर ऑफिस ओपन एक्सएमएल फॉर्म, इसको डिफॉल्ट है, ठीक है, इसको रहने, ठीक है। यहाँ पर ओके क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट लाइसेंस कम करके फाइंड नेम एस डिफॉल्ट रहने में एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर किप में क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। इफ़ गो में तो मतलब यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ठीक है। और एक नया टैब खोलने, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल आ गया यहाँ पर, एग्जैक्टली ये आप टाइप करना है आपको। यहाँ पर जो डाउनलोड है पॉप आउट करके आ रहा है, इसमें क्लिक करना है तो आपको मतलब ये डाउनलोड हो जाए। ये देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर जो ये से आइकॉन है ना, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ही डाउनलोड फोल्डर में आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करके OFC 2000 आपको जो भी वर्षन है वो आपको लिख देना है, ठीक है। 2019 है मेरा, तो मैं 2019 क्लिक करता हूँ। अब क्या करना है आपको, जो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल पहली वेबसाइट से इंस्टॉल किए थे उसको आपको स्लाइटली स्लोली यहाँ पर से पॉपआउट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आपको जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है डबल क्लिक करना, यस यस करने के बाद क्लिक एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यू। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली सेम लोकेशन सेलेक्ट करना है। डिस्क पीस में जाऊँगा, मैं डाउनलोड में जाऊँगा ऑफिस 2019, एकदम ओके, ठीक है। अब काम खत्म। यहाँ पर जो फोल्डर हम लोग क्रिएट किए हैं, यहाँ पर एक मिनट, ये सब मैं अनइंस्टॉल कर मतलब डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। डिलीट करके यहाँ पर इन फोल्डर इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर डबल टैप करूँगा, यहाँ पर कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ब्राउज़र और फाइल एक्सप्लोरर दोनों को। यहाँ पर स्टार्ट ओपन करके CMD लिखिए, माइनस एडमिन कर सकते हैं। अब यस कीजिए, यहाँ पर CD लिखना है, यहाँ पर CTRL+V देकर एंटर मार। सो टुडे आप देख सकते हो ऑफिस में जल्दी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सो इंस्टॉल होने के बाद आपको मतलब सारे ऑप्शन जिसमें कैडेट में आ जाएगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मतलब आने के बाद जो टर्म्स एंड लाइसेंस है वो आपको एक्सेप्ट करना, ठीक है। सो दिस इज फॉर